Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. समाजवादी पार्टी नेता राम गोविंद चौधरी ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें अपना दल के सांसद हरिवंश सिंह के ऊपर जौनपुर में ललित यादव पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के कई गंभीर आरोप लगाए। नेता विपक्ष राम गोविंद सिंह ने कहा कि हमारे पास उस मामले की सीडी भी है। एक महिला दरोगा का कहा जा रहा है कि ललित यादव ने मोबाइल छीन ली, जबकि महिला दरोगा है उस गेट पर, ललित यादव है इस गेट पर। दिन भर इनके पास मोबाइल रहा, तो मोबाइल किसके पास रहा ये तो ट्रेस हो सकता है। ललित यादव से महिला का देखा देखी भी नहीं हुई, तो ये पूरा षड्यंत्र सरकार का अधिकारियों पर दबाव डाल करके ये काम किया गया है समाजवादी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए। बिल्कुल मुकदमा जो ललित यादव पर है फरेब है, झूठ है और यह कोई तथ्य ही नहीं है। पार्टी ने यह सीडी प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों के सामने भी चलाकर दिखाई। आपको बता दें कि अपना दल के इस प्रतापगढ़ के सांसद हरिवंश सिंह ने भी सपा नेता ललित यादव पर गुंडई करने और हमला करवाने का आरोप लगाया था। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा नेताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। लगातार इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, विधायकों पर फर्जी मुकदमे, उनका उत्पीड़न करना, ये लगातार चलता रहा और इसकी शिकायत बार बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्य सचिव जी से भी की है, गृह सचिव से की है, डीजीपी से पहले करते रहे हैं, लेकिन ये दौर थमा नहीं है और एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम लोग इसको लेकर राज्यपाल से भी मिलेंगे। हम ललित यादव के मामले को लेकर सदन से लेकर सड़क तक और संसद में भी जाना पड़ा तो जाएंगे। पार्टी ने मांग की है ललित यादव पर जो फर्जी मुकदमे दर्ज हैं उन्हें खत्म किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।